है मां, इसे इतनी शक्ति देना कि दुश्मनों का सर्वनाश कर सके। भवानी की जय, भवानी की जय, भवानी की जय। एक ऐसी लेडी डाकू जिससे पुलिस भी कांपती थी। डाकुओं की अपनी एक अलग दुनिया होती है जिसकी शुरुआत तो शोषण से होती है, लेकिन इसके बाद शोषित व्यक्ति डाकू बनकर समाज में आतंक का पर्याय बन जाता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्हें अपने आप को समाज में सर्वशक्तिमान होने का गुमान होता है। लेकिन जब बात महिला डाकुओं की हो तो शोषण और आतंक दोनों ही अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। हमारे इस वीडियो में आखिर तक जरूर बना रहना। सीमा परिहार, ये कहानी भी एक ऐसी लड़की की है जिसने बहुत ही छोटी सी उम्र में जीवन की वो त्रासदी झेली थी जिससे वो सबसे अधिक डरती थी। कभी डाकुओं के नाम से कांपने वाली सीमा परिहार एक दिन खुद डाकुओं का शिकार हो गई। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के गांव में डाकू घुसते हैं और एक 13 साल की लड़की को उठाकर ले जाते हैं। ये लड़की एक गरीब ठाकुर परिवार की लड़की थी जो डाकुओं का शिकार हो जाती है। डाकुओं के बीच रहकर इस लड़की को उनके रहन सहन और उनकी जीवन शैली में कुछ ऐसा मन लग जाता है कि वो डाकू बन जाती है। यौवन की उम्र आने तक उस पर लगभग 70 हत्याओं का मामला बन चुका था। अपहरण, लूट, डकैती जैसे मामले भी उस पर दर्ज हो चुके थे। डर का पर्याय बन चुकी सीमा ने साल 2000 में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद वो बिग बॉस के शो में दिखाई दी। एक कंटेस्टेंट के तौर पर बिग बॉस के शो में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के कई पहलुओं को जनता के सामने रख दिया। रेनू यादव, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लिखना पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे डाकू बना दिया। उत्तर प्रदेश के जमालपुर गांव में जन्मी रेनू साल 2003 में एक बार जब स्कूल जा रही थी तो डाकू चंदन यादव और उसके लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। रेनू के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने रेनू को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद रेनू के परिवार वालों ने रेनू को छोड़ने के बदले पैसों की डिमांड की गई। रेनू के परिवार वाले बड़े गरीब थे और रेनू को छुड़ाने के बदले फिरौती नहीं दे पाए और रेनू चंदन यादव के गिरोह में रहने लगी। आगे चलकर वो भी उसके साथ डाकू बन गई। साल 2005 में चंदन यादव की हत्या हो गई और रेनू भागकर पुलिस के पास आ गई। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फूलन देवी, बात महिला डाकू की हो और फूलन देवी का नाम सबसे पहले आता भाई। इस महिला दस्यु के जीवन पर बॉलीवुड में एक फिल्म बैंडिट क्वीन बन चुकी है। इस फिल्म ने फूलन देवी के जीवन के जिस पहलू और दर्द को जमाने के सामने रखा, उसने लोगों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई में हम एक सभ्य समाज में रहते हैं? क्या सच में समाज के भीतर सच्चाई और न्याय का कोई अस्तित्व बचा हुआ है? अगर आपने फिल्म बैंडिट क्वीन देखी है तो हमारे इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। शुरुआत होती है एक ऐसी आदिवासी लड़की से जिसकी उम्र केवल 13 साल है और उसका पिता उसे उसकी उम्र से कई गुना बड़े व्यक्ति के साथ ब्याह देता है। जब 13 साल की फूलन विदा होकर ससुराल जाती है तो उस पर घर गृहस्थी का सारा बोझ लाद दिया जाता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन के उस संबंध का भी बोझ उस पर डाला जाता है जिसका वो अर्थ तक नहीं जानती। पारिवारिक परेशानियां धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती हैं कि फूलन का बाल मन विद्रोह कर बैठता है और वो ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है। उसके मायके में भी उसे समझने वाला और सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलता। धीरे धीरे मायके में भी हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे अपने पिता का घर छोड़ना पड़ता है। उसे उस समय के खूंखार डाकू के गैंग में सहारा मिलता है, लेकिन यहाँ भी उसका स्त्री होना उसके लिए अभिशाप बन जाता है और यहाँ से शुरू होता है जबरदस्ती बलात्कार का एक ऐसा सिलसिला जो अपनी तमाम सीमाएं लांघ जाता है। फिर फूलन के भीतर की स्त्री और इंसानियत दोनों मर जाती है। इसके बाद 16 साल की उम्र में फूलन बंदूक उठाती है, आतंक का पर्याय बन जाती है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने उन पर अत्याचार किए थे। फूलन देवी का आतंक उस समय चरम पर था जब उसमें बेमही में ठाकुर समाज के 22 राजपूतों को गोलियों से भून दिया। उसे बीहड़ों की भागदौड़ से उपजे हालात का परिणाम कहें या फिर सरकार का दबाव, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फूलन देवी ने साल 1983 में आत्मसमर्पण कर दिया और बिना किसी मुकदमे के उन्हें आने वाले 11 सालों तक जेल में रहना पड़ा। साल 1994 में जब जेल से बाहर आई तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो जनता के बीच चुनाव लड़ने गई और जीतकर सांसद बन गई। इसके बाद साल 2001 में राजपूत समाज के एक शख्स शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या कर दी।
पुतली बाई। चंबल के भीड़ों ने पहली बार अगर किसी महिला को हथियारों के साथ डाकू बनकर लड़ते हुए देखा है तो वो थी पुतली बाई। इनका असली नाम गौहर बानो था। परिवार गरीबी का मारा था, इसके चलते गौहर बानो नाच गाकर गुजारा करने लगी। गौहर नाच गाकर लोगों का मनोरंजन किया करती थी, उसका नाम पुतली बाई पड़ गया। उसे नाचते हुए एक बार उस समय के मशहूर डाकू सुल्ताना ने देख लिया। उसे पुतली बाई इतनी पसंद आई कि वो उसे नाचने के लिए बुलाने लगा। सुल्ताना को गौहर बानो से प्यार हो गया और देखते देखते गौहर बानो अपनी प्रेमी का हाथ थाम कर चंबल के भीड़ों में उतर गई और एक नाचने वाली से डाकू बन गई। सुल्ताना डाकू की मौत के बाद पुतली बाई ही गैंग की सरदार बनी। उस समय चंबल के भीड़ों में पुतली बाई का आतंक बोला करता था। एक पुलिस एनकाउंटर में पुतली बाई का एक हाथ कट गया, लेकिन एक हाथ की बदौलत भी उसकी बंदूक डर पैदा करती थी। लेकिन इसके बावजूद पुतली बाई को एक बहादुर और इंसाफ पसंद डाकू के तौर पर जाना जाने लगा। साल 1956 में पुलिस ने पुतली बाई को एक एनकाउंटर में मार गिराया। कुसुमा नाउन। चंबल के बीहड़ों में कुसुमा नाउन का नाम दहशत का पर्याय बनकर फैल गया था। कुसुमा नाउन को फक्कड़ बाबा का साथ मिला, फिर उसने दहशत और क्रूरता की एक नई कहानी लिखी। दरअसल जब फूलन देवी ने एक साथ 22 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया तो गुस्सा और आक्रोश लोगों के मन में भर गया था। फूलन देवी के इस बेरहम हत्याकांड का बदला लेने के लिए कुसुमा नाउन ने 14 मल्लाओं को ही बेरहमी से हत्या कर दी। इनमें से 2 मल्लाओं के शरीर से उसने आंखें भी निकाल ली थी। इसके बाद उस समय के डाकू के सरदार फक्कड़ बाबा का साथ कुसुमा को मिला, फिर उसने दहशत की सारी हदों को पार कर दिया। उसने क्रूरता की वो मिसाल कायम की जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। बाद में कुसुमा ने फक्कड़ बाबा के साथ सरेंडर कर दिया और जेल पहुंच गई। हमें यकीन है इस वीडियो ने आपको एंटरटेन करने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दी होगी। वीडियो पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।